आपके रूटीन में 24 घंटे में से एक घंटा आपको अपने आप को देना है। होता यह है 90:10 का रेशियो हमें पता नहीं है जो इस दुनिया के अंदर बना हुआ है, और ये 90:10 क्या है, हमारा माइंड जो है वो सक्सेस में कंट्रीब्यूशन कितना करता है, 90%, और हमारा जो माइंड के सामने हमारा जो बॉडी है वो कंट्रीब्यूशन कितना करता है, 10%। लेकिन हम करते उल्टा है, हम क्या करते हैं, हमारे माइंड जो कंट्रीब्यूशन हमें देता है उसके पीछे हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो खाली कितना होता है, 10%, और बाकी का पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ चला जाता है, बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को समझाना चाहूंगा, कोई इंसान 1,00,000 कमा रहा है, 2,00,000 कमा रहा है, 5,00,000 कमा रहा है, 10,00,000 कमा रहा है, जो आप लोगों की इनकम होगी, उस इनकम का जो आप पैसा जो होता है उसका निवेश आप करते कहाँ। तो ये जो आप लोगों को शेयर कर रहा है ना, वो कुछ इस तरीके से बता रहा है, ये गर्दन है, ये गर्दन का ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा। ज्यादातर लोग पैसा जो है ना वो ये गर्दन के नीचे लगाते हैं, जैसे कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगह घूमने जाना और अच्छा खाना खाना, ये सारी चीजें किस चीज के लिए हो रही है, गर्दन के नीचे के हिस्से। अब ये आपको रिटर्न कितना देगा सक्सेस में, खाली 10%। और जो सबसे बड़ा हिस्सा है गर्दन के ऊपर का, जहां पर होता है अपना माइंड, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए वो करना हमने बंद कर दिया, या वो कहीं ना कहीं हम कर नहीं रहे। लेकिन थैंक्स टू गुरुकुल, या थैंक्स के आप सब लोगों ने ये LDP में आने का जो डिसीजन लिया है, तो अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो अपने माइंड के लिए किया। तो यहां से जो आपको रिटर्न मिलने वाला है ना, ये लाइफ लॉन्ग मिलने वाला है। और यहां हुआ क्या पता है, ये रूटीन जो पिछले सालों से आपका बना था ना, आज रूटीन के अंदर कुछ चेंज आया है, कि आज रोज सुबह आप यहां पर 8:30 बजे पहुंच गए हो। तब जब रूटीन चेंज हुआ है ना, परिणाम अपने आप चेंज होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते, ग्रेट। अब हम बात करते हैं कि सक्सेस अगर हमें हासिल करनी है तो हमें एक चीज को अपनाना पड़ेगा, और वो चीज क्या है, रैपिड ग्रोथ। चाहते हैं सब लोग रैपिड ग्रोथ, लेकिन ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये है, वो लर्न करते हैं लेकिन भूल जाते हैं अनलर्न, और वो भी भूल जाते हैं रीलर्न। एक बार सीख लिया कि धंधा कैसे चलाना है, एक बार आपको किसी ने बताया बिजनेस में होता क्या है, वही नॉलेज आज के तारीख में भी आप लेकर अपने धंधे को रन कर रहे हो। और कई बार हम भूल गए हैं कि हमने जो सीखा था ना, उसको हमें मिटाना भी पड़ता है, और मिटाकर फिर से सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जमाना तेजी से आगे जा रहा है। एक बिजनेसमैन का रोल क्या होता है, लिखो अपनी डायरी के अंदर, 3 रोल होते हैं एक बिजनेसमैन के, रोल जो होते हैं ना वो 3 होते हैं। सबसे पहला रोल एक बिजनेसमैन का होता है, उसको ब्रह्मा बनना पड़ेगा, जिसका काम क्या है, सर्जन करना। उसके बाद उसको बनना पड़ेगा विष्णु, जिसका काम क्या है, पालनहार। और तीसरे रोल के अंदर आप लोगों को आना पड़ेगा, जहां पर आपका जो होगा वो आपको करना पड़ेगा सर्वनाश, विध्वंस। हम अच्छा बना तो लेते हैं, हम अच्छा चला भी लेते हैं, लेकिन जब विध्वंस करने की बारी आती है ना, हमारे कदम रुक जाते हैं। हुआ क्या, समझना, आपने अपने धंधे को चलाने की सिस्टम बनाई, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आपने अपने लेवल पर किया, लेकिन जब उससे नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो कुछ चीजों को आपको करना था अनब्रेक, और कुछ चीजों का आपको रीडिजाइन करना था, वो आपने नहीं किया। तो हुआ ये कि 1 करोड़ का बिजनेस हो गया, 10 करोड़ का बिजनेस हो गया, लेकिन अब क्या हो गया है, एक सैचुरेशन पीरियड आ गया है, अब इससे आगे जा नहीं रहा है। तो हमें अपने माइंडसेट में 3 चीजें लेनी है, क्या लेना है, लर्न, अनलर्न और रीलर्न। नेक्स्ट।